पैकिंग एकदम बराबर हो चुकी है। यहाँ से एयरपोर्ट तकरीबन 20 किलोमीटर है और फादर का डेथ हो गया। हेलो नमस्कार मरहबा अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अफरोज रब्बानी एंड यू वाचिंग रब्बानी ब्लॉग्स। तो दोस्तों आज कई दिनों के बाद हमने कैमरा उठाया और आपके लिए एक नया ब्लॉग बनाने की तैयारी है। वैसे अगर देखा जाए तो मैं इस साल में केवल एक ही ब्लॉग शूट किया हूँ, जो भी शूट किया तो पिछले साल का था, उसके बाद से मैंने कोई भी शूटिंग नहीं की है। लेकिन आपको यहाँ पे आज का ब्लॉग थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और थोड़े सा मज़ेदार देखने मिलेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका समय वेस्ट हो, इसलिए मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कंटेंट दे पाऊँ। और जैसा कि आपको यहाँ पे दिखा दूँ, मैंने नया कंप्यूटर लिया है। जैसे मेरा लैपटॉप तो आपने पहले देखा होगा, लेकिन यहाँ पे हमने एक कंप्यूटर लिया है, इसको थोड़ा सा अपग्रेड करने की ज़रूरत है। बहुत ही स्लो है, पुराना मॉडल है 2014 का, तो उसको हो सकता है मैं इंडिया भेज दूँ, लेकिन अभी तो इसको यूज़ करूँगा। आप देख सकते हो पैकिंग वैकिंग हो चुकी है और हमारे दोस्त है वो घर जाने वाले हैं, थोड़ा इमरजेंसी है इसके वजह से। आगे की बात मैं आपको बताऊँगा आखिर क्यों जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, पूरा डिटेल आपको बताऊँगा। लेकिन अभी वो गए हैं अपने रूम में, वो मेरे रूम में, एक घंटे के बाद जाएंगे, उनका फ्लाइट है 3 बजे सऊदी के टाइम से और इंडिया के टाइम से रात के 10 बजे पहुँच जाएंगे। मैं कब जाऊँगा यार, कब अच्छे अच्छे कॉन्टेंट आपको दूंगा। चलो कोई बात नहीं, 1-2 महीना और उसके बाद मैं भी आ जाऊंगा इंडिया, उसके बाद आप लोगों से मुलाकात भी करनी है और बहुत सारे बात भी करनी है, ठीक है, क्योंकि मीटअप तो करना है भाई साहब। बहुत ख्वाहिश है मेरी, दिली ख्वाहिश है, जब इसके पहले भी मैं आया था छुट्टी, तो उसके बाद भी मैंने कोई भी मीटअप नहीं कर पाया। मैं बहुत सोचा लेकिन थोड़ा सा कहीं और बिजी था इसके वजह से। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, उनके रूम के पास जाएंगे, देखेंगे क्या कर रहे हैं। और हमारा एक दोस्त है ना, सोया हुआ है। और जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे हवा बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, लेकिन आज मैं अपनी माइक की टेस्टिंग भी कर लूँगा, क्योंकि इस तरह से हवा चल रही है तो बाहर शूट करूँगा तो पता लग जाएगा कि नॉइस कैंसिल कर पाता है या फिर नहीं। और ये रिकॉर्डिंग मैं जब देखूँगा तब पता चलेगा, आपको भी पता लग जाएगा कि ये जो माइक आता है ब्लॉगिंग के लिए उसे यूज़ करना सही है या फिर मतलब ऐसे ही बकवास ही बोले जाते हैं कि इसमें नॉइस कैंसिलेशन आता है। तो चलो फटाफट से इधर चलते हैं, यहाँ पे मेरे दोस्त का रूम इधर अंदर है और उसके बाद आपको दिखाते हैं। अभी चल रहे हैं, सलमान को जगाएंगे, सोया होगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा सोता है। क्या रे सोया है तू, हैं सोया है, इधर दिखा थोड़ा, लालू जाने वाला है तू सोया अभी तक, हैं कैसा आदमी है रे, कभी है टिकट 3 बजे का है ना। इस रूम में हमारा दोस्त है जो जाने वाला है, नहा रहा है लग रहा है। लालू नहा तो रखा हो, नहा रहा है। तो चलिए चलते हैं रूम पे, जब तक ये नहा के रूम पे ही आ जाएगा। पानी पानी, रोड पे पानी गिनाने का इधर पेनल्टी आता है बहुत ही ज़्यादा। ओ क्या बात है, हवा चल रही है बहुत ही ज़्यादा, आवाज़ आ रही कि पता नहीं, आज इसका असली टेस्ट है। और मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा, हमेशा दिखाता हूँ। वाह क्या बात है, हम आ गए रूम पे और रूम लॉक भी नहीं किया था मैं, बताओ ऐसे ही चला गया था। तो जैसे आप देख पा रहे हो पैकिंग एकदम बराबर हो चुकी है और यहाँ पे लिखा गया है विक्रम यादव रिया टू लखनऊ। तो हमारा दोस्त है जाने वाला है, यह 24 इंच की LED पैनल और यहाँ पे CPU, यहाँ पे 2-2 कीबोर्ड है बाकी। तो मेरे प्यारे दोस्तों अभी हम जा रहे हैं अपने दोस्त को छोड़ने एयरपोर्ट पे, दिखाएंगे वो पीछे बैठा है लेकिन कैमरे में कैप्चर नहीं हो पा रहा, थोड़ा सा दिक्कत होगा। और ये है हमारे नावेद भाई, आप देख सकते हो। यहाँ से एयरपोर्ट तकरीबन 20 किलोमीटर है और 15-20 मिनट लगेगा जाने में, काफ़ी नज़दीक है। देखो इधर बैठा है दोस्त, यहाँ पे कोरोना टेस्ट होता है, देखो पूरा एकदम सिस्टम लगाया है। देखो भाई बड़ा जल्दी बना दो पार्क हो। ये जितना है ना ये लोकल फ्लाइट के लिए रहता है, केवल सऊदी के अंदर ही इसका अलग से
एयरपोर्ट बनाया है, इसमें कोई भी इंटरनेशनल फ्लाइट वाला आदमी नहीं आ सकता। इंटरनेशनल के लिए हमें आगे जाना पड़ेगा, यहाँ से राइट लेंगे अंदर जाके फिर आए। ये काफ़ी अच्छा सुविधा है ताकि भीड़ कम हो, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छा सुविधा मिल जाता है। जो कि इधर जाना चाहते आराम से इधर आ जाए, इंटरनेशनल वाले उस पर जाएंगे, जो कि बड़ा एयरपोर्ट है। यहाँ पे देखो पूरा, ये एक भी फ्री वाला पार्किंग नहीं है, सब पैसा भरना पड़ता है। हाँ ऊपर वाले जाना है ना हमको। अब जितना देखो जाना रहेगा ना वो इधर से ऊपर चढ़ जाएगा, आने वालों के लिए नीचे जाना रहेगा। देखो यहाँ पे प्लेन खड़ी है, ये देखो प्लेन, सब कोरोना की वजह से सब खड़ी है एकदम, पूरा पार्किंग करके सऊदी एयरलाइंस। ये देखो इमिरात जहाज ही जहाज, इतना जहाज कभी देखने नहीं मिलता था, सब आसमान में ही रहते थे। देखो जब मैं आया था ना उधर बिठाया, रोड पार करा, इधर आके फिर उड़ा दिया। यहाँ पे देखो ATC इधर ही बैठा होगा ऊपर, इधर देखो ATC का टावर, मोबाइल चार्जर ही छोड़ दिया। अब वहाँ से चार्जिंग तो उठा लिया, मोबाइल नहीं उठाया। चलो घूम के चलो। ये जामा नूरा का मस्जिद, रियाद का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है। ये है एंट्री गेट, प्रिंसेस नूरा। गेट नंबर 3। तो फाइनली हम एयरपोर्ट से आ चुके हैं घर, अपने दोस्त को छोड़ दिया वहाँ पे। एक प्रॉब्लम हो गया था, उन्होंने अपना फ़ोन गाड़ी में ही छोड़ दिया, फिर दोबारा घूम के जाना पड़ा। तो उस बार मैंने रिकॉर्डिंग नहीं किया क्योंकि थोड़ा जल्दी था, और थोड़ी सी बातें करेंगे आपसे, उसके बाद आज का ब्लॉग एंड करने का समय भी आ जाएगा। तो आप सोच रहे होंगे कि इतना जल्दी अचानक जाने की क्या ज़रूरत पड़ गई, वैसे भी वो 2 महीने बाद जाने वाले थे, तो होने को कुछ भी हो सकता है। तो उनके फादर का डेथ हो गया 3-4 दिन पहले, यानी 24 तारीख को। उसके बाद से 2-3 दिन हम सब होपलेस में थे, मतलब कोई बीमारी नहीं कुछ भी नहीं, अचानक से ऐसा कुछ हो जाना। 2-3 दिन तक हमने अच्छे से खाना नहीं किया। अब जाके थोड़ा सा हालत सुधरी है और आज फाइनली वो जा रहे हैं घर और चले जाएंगे, तो अच्छी बात है। 30 तारीख को सलमान का भी फ्लाइट है, वो भी चला जाएगा, फिर मैं बचूंगा अकेला। 1-2 महीना निकाल लेंगे किसी तरह। चलो ठीक है, फाइनली आज का ब्लॉग भी एंड कर लेते हैं। थोड़ा सा और बात करना है आपसे, लेकिन अभी मैं थोड़ा हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूँ आपसे किस तरह से बात किया जाए। लेकिन हाँ, एक मैं स्टोरी ब्लॉग बनाऊँगा जिसमें सारी चीज़ें कवर करूँगा, उसके बाद आपको सारी डिटेल पता चल जाएगी, कैसे क्या हुआ, क्यों इतना जल्दी जा रहा है, आखिर फिर आएगा या फिर नहीं आएगा, सारी डिटेल उसमें मिलेंगी। तो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, और जैसे ही आप लोग प्यार और सपोर्ट दे रहे हो ऐसे ही देते रहो। बस थोड़ा सा और आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, अपने जानने पहचानने वालों तक पहुँचाओ हमारी वीडियो, जिससे वो चैनल को सब्सक्राइब कर पाएँ। तो फाइनली थैंक यू सो मच, यहाँ तक आपने देख लिया तो वीडियो को करिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन भी दबा दीजिए, अपने दोस्त यार सबको शेयर करिए, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, हर जगह। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। बाय।